बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। सबसे पहले सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उसके बाद लोकसभा में बजट पेश करने के लिए पहुंची। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कोरोना काल को लेकर बात की और कहा कि हम मजबूत स्थिति में हैं और अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद से ही हर नागरिक को मजबूत करने के लिए काम किया गया है। चलिए बिना देर किए आपको इस बजट की खास बातें बताते हैं। किसानों के लिए ऐलान, किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विस पहुंचाई जा सके इस तरफ काम होगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 2021 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ाया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP से किसानों के खाते में गए। गंगा किनारे बसे किसानों को मदद देंगे। रेलवे के लिए ऐलान, राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ देंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। रेलवे में PPP मॉडल से विकास होगा। बेहतरीन ट्रेन का उत्पादन करेंगे। 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी। 750 नई e-labs बनाई जाएंगी। 130 लाख MSME को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा। भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश होगी। PPP मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी। खेती के उपकरण सस्ते होंगे। चुनावी राज्यों के लिए ऐलान, 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। गरीबी मिटाने की कोशिश, 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता। साल 2022-23 तक 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ आवंटित। महंगाई घटाने के लिए खाने के तेल पर ध्यान देंगे। छात्रों के लिए ऐलान, स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगेगा। वन क्लास वन चैनल के जरिए शिक्षा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाया जाएगा। कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। PME विद्या चैनल लाया जाएगा। टैक्स को लेकर ऐलान, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं। टैक्स रेड में मिला पैसा पूरी तरह से जब्त होगा। क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स, LTCG पर 15% से ज्यादा टैक्स नहीं होगा। आम आदमी के लिए ऐलान, कपड़ा चमड़े का सामान सस्ता होगा। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। जूते चप्पल और हीरे के गहने भी सस्ते होंगे। बजट की बड़ी बातें, सरकार इस साल डिजिटल करेंसी शुरू करेगी। देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी। बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है। निजी निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए ये बजट है। LIC का IPO जल्द ही आएगा। एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हुआ। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। PM गति शक्ति के जरिए विकास होगा। 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे का विस्तार होगा। 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेन का उत्पादन होगा। लोगों की आवाजाही तेज हो सके इस पर काम होगा। तेल के आयात को कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 लाख करोड़ छोटे और लघु उद्योगों को मदद दी जाएगी। 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना। 2022-23 में 60 किलोमीटर रोपवे के ठेके दिए जाएंगे। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को 1400 करोड़। स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। 2 लाख मॉडर्न आंगनबाड़ी बनेंगे। देश में निजी निवेश बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए। हर घर नल से जल के लिए 60,000 करोड़ आवंटित। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। डाकघर कोर बैंकिंग सर्विस के तहत आएंगे। क्लीन एनर्जी देश की प्राथमिकता है। इस साल से e-पासपोर्ट मिलने लगेंगे। भविष्य के लिए शहरी विकास जरूरी। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी। शहरों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी। 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी। 1486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए। रक्षा में अनुसंधान के लिए 25% बजट। 3 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचेगा। सेस की जगह नया कानून आएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेंगे। बहरहाल वित्त मंत्री ने इस बार डिजिटल बजट पेश किया।
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।